जी भाई क्या जाने सर बस आप सुनाए सर आप बताइए क्या हो रहा है आजकल बस क्रिकेट हो रही है भाई वेट कर रहे हैं वेट सारी टीमों के अनाउंसमेंट्स का हमारी टीम का नहीं हो रहा बाकी तो सबक ही होगी वो <laughs> तो हम करेंगे अभी ना हम तो बहुत सब साखिर में करते हैं ना तो सब देख लें सब लोग क्या क्या पढ़ पढ़ के आ रहे हैं फिर हम अपनी टीम करेंगे फिर भी हार जाएंगे बहरहल इंडिया की ट्वेंटी टीम अनाउंस हो गई है और यू नो काफ़ी बात हुई नहीं हमारी अभी तक इस बारे में बात हुई नहीं और काफ़ी जो है वो uh, uh, लोगों की डिफरेंट परस्पेक्टिव थी कोहली को लेके और तुम तो खुश होने चाहिए तो बहुत खुश हूँ तो यार तुम्हें तो फिकर हो तुम्हें कोहली को ड्रॉप ना करना यार मुझे ये था कि इतना बड़ा ब्लंडर इंडियन करते नहीं है और मुझे पता था कि नहीं करेंगे वो भाई उनका थिंक टैंक बहुत अच्छा है बहुत आगे की सोचते हैं वो और मुल्क के लिए सोचते हैं बाकी कुछ भी कोई कहता रहे एट द द एंड ऑफ डे इंडिया क्या करें हमारे, हमारे लोग नहीं सोचते मुल्क के लिए? क्या बात करिए हमारे साया ग्रुप और यू नो इंजमाम भाई की सारी जो एडवर्टाइजमेंट uh, कंपनी उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं हम लोग समझा करो ना यार क्या करें गरीब मुल्क है भाई बारा भाजन स्टेट ऑरिजिन टॉपिक इंडिया की टी ट्वेंटी टीम अनाउंस हो गई है बिन बिटवी द आई पी एल विच इज इवन एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग उन्होंने आई पी एल का भी वेट नहीं किया उन्हें बोला बस टीम अनाउंस है अब जो बेचारे नहीं हुए वो आई पी एल में बेचारे के परफॉर्मेंस देंगे या नहीं देंगे वो लोग

अब वो तो देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन खिलाते कॉम्पिटिशन खिला आप ये देखो जसवाल को लेके गए हैं और गिल को उन्होंने ड्रॉप कर ड्रॉप कर दिया है तो इतना जसवाल पे इनको भी जो, जो है वो कॉन्फिडेंट है यंग बच्चा है यार मतलब उसका इंटरव्यू देख रहा था बिल्कुल ही बच्चा लग रहा था मुझे खैर आगे बोले फिर कोहली हैं आपके जी आपके सूर्या हैं के बाद फोर्थ आ, पंथ सैमसन दोनों विकेट कीपर गए हैं आपके पांड्या डूबे जदेजा अक्षर पटेल यादव चहल आ गए आपके वापस आई थिंक बहुत अच्छी सिलेक्शन है चहल की स्पिन सिलेक्शन अच्छी करी है फिर आपके वो हैं अरिजीत सिंह बुमराह सिराज और रिजर्व में कौन कौन है गिल और रिंकू सिंह रिंकू याद है सरप्राइजिंग खलील अहमद और फिर अवेश खान सो आप ये देखो सर कि इन्होंने जो है वो यू एस और करेबियन की पिचिस को जहन में रख कर एक स्पिन और फास्ट बॉल का कॉम्बिनेशन भेजा जिसमें इनके पास कितने स्पिनर्स हैं अक्षर पटेल इनके पास कुलदीप कुलदीप कुल और चहल चहल सही है ना तीन स्पिनर तो इनके पास अपने जडेजा जा चार स्पिनर इनके

प्रॉबली फिट नहीं होगा मैम तो क्योंकि आप देखो फिफ्टी ओवर्स के वर्ल्ड कप का तो बेस्ट बॉलर था यार वो दैट्स अ बिग वन शामी के बगैर जा रहे हैं बैटिंग में बात करते हैं यार ओपन पर रोहित तो चलो ठीक है जो है मैं आई एम वेरी हैप्पी टू सी रोहित कमिंग एज अ कैप्टन ओब्वियसलीट्स रेली गुड फॉर इंडिया जयसवाल यार लाइक ए थोड़ा स्टैंडिंग मैं उसका बेचारे का इंटरव्यू देख रहा था यार लाइक ही खेम फ्राम अ वेरी बॉडम वेरी वेरी लाइक खेम फ्राम अ वेरी हार्डशिप एक्चुअली घर uh, से निकल गया था वो उसके बाद जो है वो जिसके साथ रह रहा था वो लोग मारते थे उसको घर साफ़ करो ये करो वो करो नहीं करोगे तो वह ये कर दे खाना पकाओ फिर वहाँ से भागा वो रहने की कोई जगह दी थी उसके पास तो वो हम्बल हम्बल बैकग्राउंड हाँ बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से देखो इंटी in इंडिया पहुँच गया यार पहुँचा नहीं भाई वो ऑफ़ द लीडिंग यंग टैलेंट्स इन इंडिया राइट नाउ भाई दिस इज़ वेर यू से व्हेन यू गेट सेन अपॉर्चुनिटी इट बाय बोथ हैंड्स यू नो दैट्स व्हाट ही के और

इन दो, इन दो दो का हो सकता है लास्ट वर्ल्ड कप हो आई डोंट नो नो हर हर याराल यही बात होती है बगर ये कि आप ये देखो यार कि क्या किस किस्म का बंदे को जो है वो एक्सपीरियंस मिलेगा इन्होंने गिल को बिठा दिया है के एल राहुल को बिठा दिया है दूसरा सरप्राइज सिंह वो था कि उसको भी बिठा दिया यार के वो फिफ्टी ओवर वो भी फॉर्म में आ गया था उसकी पोजीशन उसको जब कीपरिंग की जो छठे पाँचों छठे नंबर की अच्छी पोजीशन मिल गई थी उसको एक हाँ लेकिन वो आपका जो दो कीपर गए पंथ और सैमसंग पन तो मतलब उसको कहा हुआ पन की बगैर तो आप नहीं कर सकते ना सर नहीं मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग पे आप नज़र रखिएगा अच्छा ही इज़ वेरी गुड और ये इंडिया को कुछ करवा सकता है इंडिया के लिए कुछ सैमसंग कर... बहुत, बहुत बहुत फॉर्म में है बहुत फॉर्म में है बहुत अरसे से इसको चांस नहीं मिल पा रहा बेचारे को तो आई एम रियली हैप्पी कि उसको सैमसंग को इन्होंने टीम में आई होप ही गेट्स टू प्ले राइट 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 और दो पन मुझे बहुत पसंद है लेकिन सैमसंग डिजर्व फुली डिज़र्व सही और आ, चाहल कैसे टीम में आ गए चाहल तो बहुत अच्छा बोला है वो तो टीम से बाहर क्यों है मुझे पता नहीं आर ने क्यों छोड़ दिया उसको कोहली पता नहीं क्या लॉजिक <laughs> थी आई हैव नो आइडिया कि आप उसको कैसे छोड़ सकते यार इसको एक होता था कि चाहल way, मुझे लगता है कि दिस इज़ ऑल्सो एक

अगर वो इंडोर हरकत हो क्लोज डोर में हो रही हो हंसी मजाक हो रहा हो समथिंग एल्स उसको आपने उठा के इंस्टाग्राम पे डाल दिया उस बंदे की अपनी इज़्ज़त भी है भाई की और उसको इस चीज़ से कोई सीरियसली नहीं लेता पता नहीं भाई मुझे कॉन्टेक्ट नहीं पता उसका क्या था हाँ, लेकिन क्या नया मसंद है, है कि अगर वर्ल्ड कप स्क्वाड की बात की जाए तो ही इज अ वेरी गुड बॉलर और थॉर् डिज़र्व और आई पी एल में भी देख लें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसकी बहरहाल मेरे ख्याल में इंडिया की बड़ी बेलेस्ट टीम है यार रिंकू को क्या वो कर दिया आ यार रिंकू को समझ दिया मुझे किसकी जगह आएगा वो यही तो मसला है की की जगह जगह आएगा आएगा क्या वो वो रिंकू बड़ा वैसे बड़ा डिसमेंट होगा रिंकू वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा तो भाई रिंकू वैसा ये था वो मतलब क्या बेचारे के दिल पे क्या गुजर रही होगी कि कि मैं ऑटोमेटिक चॉइस है भाई लेकिन नहीं इंडियन टीम में ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है आप

तो अब कैप्टनसी भी उनकी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे कि इंडिया की कैप्टनसी मिलेगी नहीं मिलेगी भाई लोगों को इस बात से बहुत और हर कोई ये चीज़ देखता है कि जब इंडिया के मैचज़ आते हैं आप इंजर्ड हो जाते हो जब आई आता है आप वापस आ जाते हो वर्ल्ड कप होता है फिर आप, आप वापस आ जाते हो जब रेगुलर सीरीज़ होती है फिर आप इंजर्ड हो जाते हो और पूरे साल आप जो है वो तस्वीरों में यहाँ घूम रहे हो वहाँ घूम रहे हो ये कर रहे हो तो लोगों को होता है कि भाई ये क्या मजाक है और जिस तरह की उन्होंने हरकत करी है ना आईपीएल में कुछ चीज़ें उन्होंने करी है

और आपके पास ऑलरेडी इतने अच्छे प्लेयर्स थे कि आपने उनके ऊपर एक बाहर वाले बंदे को कैप्टन बना दिया तो टीम का जो हाल होना था मुंबई का जो हुआ है वो आपने सब ने देख ही लिया जी आपकी टीम में सूर्या भाई बैठे हैं बुमराह बैठे हैं और आप लेके आ गए हार्दिक को कैप्टन बना दिया भी तो है तो हाँ वो तिलक

तो भाई वो है फिर टीम के वाइस कैप्टन हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया के जो दो बंदे हैं आपके ड्राइविड और ड्राइविड नहीं।, नहीं 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 ड्राइविड जो आपका कोच है ओह oh, और, yes, 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 और जो अगरकर जी जो आपके सिलेक्शन में ये दोनों इंटेग्रिटी वाले बंदे हैं सर कि दोनों ने बैलेंस टीम चूज की है और, और, और मतलब चाहे जितना भी आपको रिंकू पसंद हो मतलब आप उसकी जगह कॉम्बिनेशन वाइज देख के आप कहोगे यार कहाँ बनती है जगह अगर वो बकॉल हमारे शर्मा जी के के मित्र हमारे शर्मा जी हैं अगर वो एक बॉल भी अगर उसको थोड़ी सी बॉल फेंकनी आती तो वो टीम में आ जाता ज़्यादा बॉलिंग नहीं करता हाँ ये है कि कॉम्बिनेशन में गड़बड़ हो जाती यार है। वो बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है भाई नो और ऐसा बंदा जडेजा को ही रिप्लेस करेगा अगर वो करेगा कभी किया तो अच्छा ट्रेड नहीं हो सकता ट्रेड भी होना चाहिए हमारे यहाँ जो है हमें दे दो तो यार वर्ल्ड कप के लिए <laughs> <laughs> हमारे तो टॉपर्स में आ जाएगा वो ओपनिंग करेगा भाई हमारे ले लो रिजवान दे लो रिजवान ले लो <laughs> हर जगह बिजी प्लेयर बिजी प्लेयर आपके गवास्कर भाई ने उनको नाम दिया बिजी प्लेयर हार पे हार दे, दे रहे हैं तो हमें रिंकू देता हूँ तुम रिजवान कीपिंग भी करेगा तुम्हारा कीपिंग भी करेगा सुपरमैन पेन के जब मारता हाँ तो बहरहाल मेरे ख्याल में इंडिया की बड़ी अच्छी बैलेंस टीम है और यू नो वन ऑफ द द फेवरेट टीम्स गोइंग टू वर्ल्ड कप पूल भी हमें ऐसा दिया हुआ है कि मैच होगा आपका मैच होगा हमारा और हम हमेशा आई सी सी में बाहर होते हैं आपसे तो फिर भी फिर वही मुझे लगता है भाई बड़ा टैलेंट था इंडिया के बड़े अच्छा अच्छा प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे आपका मुझे उसका भी हाकि शायद उसका भी नाम ना आ जाए रियान पराग बड़ा ज़बरदस्त खेलना था इज़ आल्सो गुड टैलेंट टू वॉच आउट फॉर बहुत सारे लड़के हैं बेतहाशा लेकिन यार वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका यार लेफ्टी जो कीपिंग भी करता है यार वो मुंबई से भी खेल रहा था अभी बीच में आ, उस आ, अभी मुंबई से हाँ हाँ नाम याद नहीं आ रहा वो किशन 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 नहीं है भाई वो तो क्यों वो वो वही तो कह रहा हूँ कौन आवस, कौन आएगा मैं सरप्राइज हूँ वो नहीं है मुझे मुझे पसंद है ईशान किशन ईशान किशन नहीं वो आई में भी थोड़ा वो वाला उसके स्कोर्स नहीं है यार मगर इम्पैक्ट ले रहे हैं वो आपको उसके टैलेंट पे कोई शक नहीं है वो किसको बिठाओगे रोहित को या जयसवाल को जयसवाल पे देर गिल को बिठा दिया उन्होंने तो फिर किसी ने को देख के बोला भाई दिस इज इट गिल को बिठा के आप जायसवाल खिला रहे हो तो दैट्स अ बिग बिग बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात बैंकिंग ऑन हिम बहुत बड़ी बात है ठीक है और इनको बाहर बैठे हैं

रिटायर्ड प्लेयर है यार उनका अच्छा सुनील अ, सुनील <laughs> और नारायण भाई आउट नहीं हो रहे नारायण भाई नंबर वन चले जा रहे हैं ऊपर से सॉल्ट आ गया है तबाही मचाई हुई है नहीं नहीं भाई और आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि देखो तो आप मगर मेरे ख्याल में थोड़ा जल्दी अनाउंस कर दी टीम यार थोड़ा सा रुक जाते भाई तो भाई उन्होंने पूरी टीम बना दी तो मैं पूरा दिन मिल गया देखने का टीम किया फिर भी हमारी टीम अनाउंस नहीं हो रही फिर भी <laughs> जो अनाउंस हुई है वो भी आयरलैंड से आ गई है भाई <laughs> अच्छा इतने इतने, इतने सारा बोलो जो छोड़ा बोलो जो बोलो आप टीम अनाउंस करके आयरलैंड के और इंग्लैंड की टीम भेज रहे हैं अभी अब hmm. तो यानी कि अगर इनमें से किसी भी बंदे को इन्होंने चेंजिंग करी मतलब निकाल दिया कि नहीं लेके गए और जो दूसरा बंदा टी ट्वेंटी का खेलने जो आ, अंदर आएगा तो वो तो बेचारा बगैर किसी प्रैक्टिस के वर्ल्ड कप खेल रहा होगा ऐसे ही होता है भाई हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में याद नहीं है वो कौन कौन खेल रहा था आके

One of the uh, better side, better side to be in the four, uh, you know, uh, semi-finals. उनसे पूछेंगे आपके पैट कमेंट से कि which other, which which four teams do you see? उन्होंने बोला ऑस्ट्रेलिया एंड यू कैन पुट अन्य तीन वन। Confidence देखो बंदे का भाई। हालांकि वो कैप्टन में नहीं है, पता है इसका? ज़्यादती है, फिर कैप्टन होना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा प्लेयर है यार, बहुत और... so... पर्सनैल उसके बंदा वो वो एक अलग लेवल का बंदा है भाई ही इस आप सब उसको सुनते हो तो आपको लगता है कि भाई ही डिफरेंट और यू uh, राइट yeah, right कि उसको टी ट्वेंटी में क्यों कैप्टनसी नहीं है कर भी ना भाई तो इनका इनके इनका कुछ पता नहीं है आई रंट ऑस्ट्रेलिया की सभी की हो गई हमारी रह गई खाली और बहरहाल टीम इंडिया देखते हैं और सबसे आखिर में हमेशा हमारी टीम अनाउंस होती है और अभी भी वैसे ही होने वाला है आ, उससे हमें कोई खर पढ़ने नहीं वाला किसी को भी पड़ता है किसी किसी को भी पढ़ता उसने <laughs> भी दिमाग दे देना दे दे फ्लाइट पहुंचने से पहले दे देना हमें मसला दिए वैसे भी राइट ऑफ ही किया हुआ तुम्हें महाराज भाजन मैंने कहा चलो इंडिया की टीम के बारे में बात करेंगे आई नो ऑफ यू वर वेटिंग फॉर दिस सो विश यू गाइज बेस्ट ऑफ लक विद दैट और फिर इनशाला इसके बाद जो है वो कवरेज करेंगे इंडिया को लेकर शिराज भाई फिर इनशाला बात होती है आपसे Dan ga hier.